हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कमर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क 11। गाइस, आज हम लांडी कायदाबाद में मौजूद हैं। ये मार्केट है ड्राई फ्रूट की। इस मार्केट के अंदर ड्राई फ्रूट जो है सेल आउट होता है। यहाँ पे अच्छी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं और ड्राई फ्रूट की भी माशाल्लाह से यहाँ पे जो है क्वांटिटी मौजूद है, जिसमें ड्राई फ्रूट के अंदर आपकी मूंगफली तो काफ़ी मकदार में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, अखरोट भी नज़र आ रहे हैं। आई इन सब के रेट भी लेते हैं और पूछते हैं कि ये तमाम चीज़ें कहाँ से लेके आते हैं और कहाँ के हैं। बादाम का भी आपको बताएंगे कि बादाम या क्या 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 हिसाब मिल रहा है। आए मिलते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए कि अखरोट कहाँ का है? ये अखरोट तो लोग चाइना का कहता है, ये असल पेशावर से भी आते हैं अपना पाकिस्तान का, और ये मशहूर चाइना के, इसने मगज अच्छा निकलता है इसे चाइना में। हाँ अच्छा। इसके साथ साथ जो पड़ा हुआ है वो अमेरिकन है ना। अच्छा। वो भी अच्छा क्वालिटी है। ये चाइना है जी जी जी। हाँ उसके साथ जो है वो अमेरिकन है जी जी। इनके प्राइस में क्या पड़ गया सर? नहीं, इसको वाइट मगज निकलता है और चाइना का मगज जो है वो थोड़ा कड़वा है और काला निकलता है। अच्छा। इसके प्राइस में, जी जी में क्या फर्क है इसके प्राइस में? ये बड़ा है वो छोटा है। अच्छा। अलग अलग क्वालिटी है इसमें। इसके प्राइस है? इसको तकरीबन 800 रुपया आजकल चल रहा है किलो। 800 रुपये किलो जी जी। ये वाला अमेरिकन ये 1200 रुपये चल रहा है किलो। 1200 किलो जी जी। और बादाम पे आ जाएं? बादाम तो एक छिलके वाला पड़ा हुआ है, एक बगैर छिलके वाला होता है, वो तकरीबन आजकल बगैर छिलके वाला 2200 किलो चल रहा है, और छिलके वाला में मुख्तलिफ है, 2-3 क्वालिटी है उसमें। एक 2000 चल रहा है, एक 1200 रुपये चल रहा है, 800 तक छिलके वाला मौजूद है। और इसमें और चीज़ें भी बहुत है, खुबानी है, चना है, किशमिश है, बादाम है, बीज है, सब कुछ इधर नज़र आ रहा है। जी जी जी। बादाम के हिसाब चल रहा है? बादाम अमेरिकन ही है? बादाम इसमें तो अमेरिकन नहीं है, ये सारा क्वेटा का बादाम है और अफगानिस्तान का बादाम है, ये चना हैदराबाद का है। अच्छा। हाँ ये चीज़ें जो है, ये चॉकलेट जो नज़र आ रहा है ये ईरान का है। अच्छा अच्छा। हाँ ये आजकल बहुत महंगा है, ये पहले तकरीबन 200-250 रुपये किलो था, अभी बॉर्डर में लोग बोल रहे हैं शार्ट है, नहीं आ रहा है माल, अभी तकरीबन ये 600 तक किलो पहुंच जाएगा। कॉफी है जी। अच्छा, अच्छा। ये ईरानी जो है बॉर्डर बंद होने की। हाँ अच्छा, अच्छा। पहले तो 200-250 था, अभी तकरीबन 600 तक चला गया। अच्छा, अच्छा। महंगाई तो बहुत है, लोग परेशान है आजकल, सब तो कुछ डबल रेट पे। सीजन स्टार्ट हो गया, सर्दी का सीजन स्टार्ट होने के बाद अब आपकी सेल में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा? कस्टमर आ रहा ही नहीं आ रहा? नहीं, आजकल तो इतना नहीं आ रहा है, पिछले साल और इस साल का इतना फर्क है, तकरीबन 100% में 80% लोग नहीं है, काम नहीं है, बल्कि महंगाई ज्यादा है, लोग परेशान है, बिल ज्यादा आता है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है आजकल, लोग परेशान है, बिल आता है, बिजली नहीं है और गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है, और काम नहीं मिल रहा है आजकल कंपनियों में, तो भी गड़बड़ है और लोग निकाल रहा है, तनख्वाह नहीं देता है, कभी बोलता है आज देगा कल देगा, तनख्वाह भी नहीं देता है लोगों को, इसके पीछे बिल ज़्यादा आता है, लोग परेशान है आजकल। पिछले साल से कारोबार तकरीबन पिछले साल से 100% में 80% नहीं है ना, 26% कारोबार है आजकल, बस महंगाई है, लोग परेशान है आजकल, सब कुछ महंगा है। अस्सलाम वालेकुम। गाइस देखा, भाई बता रहे हैं कि महंगाई की वजह से जो कारोबार है जो 100% था वो अब 80% कारोबार ख़त्म हो गया है, सिर्फ 20% कारोबार रह गया है, माल है कस्टमर नहीं है, अब ये कस्टमर के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कस्टमर आएगा तो ये अपनी इनकी सेल होगी। और ये गुड़ कहाँ का है? पेशावर का। अच्छा, ये देखें गुड़ है पेशावर का है, सर्दियों में इसकी बड़ी डिमांड है गुड़ खाने की, और लोग जो है मूंगफली और गुड़ की बड़ी डिमांड होती है सर्दियों के अंदर, और काफ़ी तादाद में यहाँ पे गुड़ भी मौजूद है, अखरोट भी मौजूद हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।
देखें गाइस, ये हम आपको दिखा रहे हैं ड्राई फ्रूट। ये हमारे पास अखरोट हैं, ये छुहारे हमारे पास मौजूद हैं, ये अखरोट है। अखरोट के मुख्तलिफ अकसाम यहाँ पे मौजूद हैं। भाई से पूछते हैं इनमें क्या फ़र्क है, कहाँ कहाँ के ये अखरोट हैं। भाई ये कहाँ का अखरोट है? ये चाइना का अखरोट है, ठीक है। ये बड़ा वाला है, ठीक है। वो छोटा वाला है, वो भी चाइना का है, क्योंकि वो भी चाइना है। अच्छा, अखरोट में हमारे पास इंशाल्लाह आपको बड़ी क्वान्टिटी मिल जाएगी। और काजू में हो गया, वियतनाम के देखे टीन लगे में, जैसे कि ये हो गया वियतनाम काजू, ठीक है। इंडिया वाला भी मिल जाएगा, वियतनाम में मिल जाएगा आपको। तो पिस्ता भी मिल जाएगा आपको, डोडी पिस्ता, उसमें भी बड़ी वो है। और मूंगफली तो हमारा अपना ब्रांड है, देखें मूंगफली का माशाल्लाह से। ये देखें हमारा अपना ब्रांड है। आज ही कंटेनर आया है, गाड़ी आज ही लगी हुई है मूंगफली के अंदर, असलम गोल्ड, ठीक है। और ये चकवाल का माल है, ठीक है। ये आपको भुनी हुई मूंगफली, ये 20,000 रुपये का तोड़ा है, ठीक है। किलो के हिसाब से 500 रुपये किलो है, ये किलो है कच्ची। अच्छा, और भुनी हुई देंगे 600 रुपये किलो। अगर हमारे चैनल के थ्रू लोग आते हैं आपसे चीज़ें लेने के लिए, उस पर क्या डिस्काउंट देंगे हमारे ऑडियंस को? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह डिस्काउंट देंगे आपको। और कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे? तकरीबन कोई 3% 4% डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हमारा होलसेल का काम है। अच्छा, फिर प्लस ये है कि इस दफ़ा माशाल्लाह से महंगाई भी बहुत की हुई है, तो थोड़ा सा लोग भी बेचारे परेशान हैं। हम तो वैसे ही कम रेट चला रहे हैं, ठीक है। और फिर माशाल्लाह मूंगफली हमारे पास चकवाल वाली भी है, पहलवान की रेबड़ी भी है, और तमाम आपको सर्दियों के आइटम्स मिलेंगे हमारे पास। खजूर भी है कि आपके नीमको भी है। खजूर कहाँ की है? खजूर हमारे पास ईरान वाली है। जी जी, क्या किलो दे रहे हैं ईरानी खजूर? ईरानी खजूर 450 रुपये मिलेगी आपको, 450 रुपये किलो। जायदी भी मिलेगी, जायदी मिलेगी 400 रुपये किलो। जी हाँ, तो ले आता है हमारे पास माशाल्लाह सारी चीज़ें डिस्काउंट कर कर होलसेल रेट के ऊपर है आपके भैया। हमें बोल्टन मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बोल्टन में भी दुकान है और हमारा